अगर आप एंड्रॉइड फोन से फोटो खींचते हो तो उस फोटो का साइज जो एमबी में चला जाता है, जैसे कि 1 MB, 2 MB, 1.5 MB, तो ऐसे में अगर आप उसका साइज कम करना चाहते हैं और अपनी एक वेबसाइट या फिर किसी पर अपलोड करना चाहते हैं, अगर आप कोई फॉर्म भर रहे हैं या फिर आपके पास मल्टी बहुत सारे फोटोज हैं और उनका साइज आप एक बार में कम करना चाहते हैं, तो आपकी इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको एक ऐसे मोबाइल ऐप के बारे में बताने वाले हैं जो सिर्फ एक सिंगल क्लिक के जरिए आपके गैलरी के पड़े तमाम फोटो को एक बार में सारा साइज कम कर देता है। बस आपको यहां पर लिखना होता है कि आपका कितने केबी का साइज चाहिए। जैसे आपने यहां पर लिख दिया, देखिए 10 KB, तो यहां पर जितने सारे फोटो आपने यहां पर सिलेक्ट किए हैं, चाहे एक साथ आप 50 करो, 100 करो, 200 करो, उन सभी का साइज 10 KB के एवरेज में हो जाएगा, 10 KB का। और अगर आप फोटो को क्रॉप करना चाहते हैं, जैसे कि आपका आउटसाइड एरिया ज्यादा आ चुका है, क्रॉप का ऑप्शन आ चुका है, ऑटोमेटिक क्रॉप कर देंगे, यहाँ पर 3:3 पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। इस ऐप को चलाने से पहले मैं आपको इस ऐप की छोटी छोटी एक दो सेटिंग बता देता हूँ जो आपके काफी काम आने वाली है। तो सीधे आप इस ऐप को जैसे इंस्टॉल करके ओपन करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको अपनी गैलरी को अलाउ कर देना है जिससे कि आपकी गैलरी से फोटो को ओपन कर सके। इसके बाद आपको यहाँ पर चूज फोटो का एक ऑप्शन मिलता है, आप यहाँ से गैलरी से कोई भी फोटो चूज कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज बता दें, ऊपर 3 डॉट पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन आता है कि आप सिंगल फोटो का साइज चेंज करना चाहते हैं या फिर आप मल्टी बहुत सारे फोटो का साइज चेंज करना चाहते हैं। अगर आप बहुत सारे फोटो का साइज चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर मल्टी सिलेक्ट करके और यहाँ से आप काफी सारे फोटो को चूज कर सकते हो। फोटो चूज करने के बाद ही आप यहाँ पर देख सकते हो आगे फोटो चेंज करने का, मतलब जो साइज चेंज करने का ऑप्शन आ चुका है। आप यहाँ पर मैनुअली भी डाल सकते हो और यहाँ पर ऑटोमेटिक भी रख सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने यहाँ पर 20 KB लिख दिया है। 20 KB सिलेक्ट करने के बाद ओके करेंगे तो सीधे हमारे फोटो का कुछ सेकंड का टाइम लगेगा और यहाँ पर हमारे फोटो का साइज चेंज हो गया। अब हम गैलरी में जाकर इनको देख लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये देखिए इस फोटो को सिलेक्ट करते हैं, ये देखिए ये 20 KB के करीब में इसका साइज हो गया। अब आपको बता देते हैं कि इसमें फोटो आपको क्रॉप कैसे करना होता है। देखिए जैसे कि आप सिंगल फोटो पर यहाँ पर क्लिक करके ओपन करते हो तो ओपन करते ही आपको यहाँ पर एक क्रॉप का बटन आ जाता है। आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, आप इनमें से किसी भी तरीके का क्रॉप कर सकते हो। क्रॉप करने के बाद में जस्ट आगे बढ़ोगे तो फोटो का साइज पूछेगा, जैसे अभी पूछा था, और उसके बाद आगे बढ़ोगे तो ये फोटो यहाँ पर आपकी गैलरी में साइज और क्रॉप होने के बाद सेव हो जाएगा। लेकिन इसके बाद अगर आप इन फोटो को रीनेम करना चाहते हो, जैसे कि आपको पता नहीं कि इस फोटो का नाम चेंज कैसे करते हैं, जैसे फोटो पर रीनेम भी करना होता है, तो रीनेम करने के लिए हमने एक वीडियो बना दिया है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। आप इस वीडियो को जाकर जरूर देखिए और ऐप को डाउनलोड करने का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करके चैनल को यार सब्सक्राइब कर देना।